सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोफ्ता करी बहुत ही क्विक एंड इजी बनती है और बहुत ही यूनिक स्टाइल में बताने जा रही हूँ इससे आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और टेस्ट में माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है थ्री हंड्रेड ग्राम्स चिकन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट उसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर मैंने वन टेबल स्पून ऐड किया है और ये देखिए मैंने ये ऐड कर दिया इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ वन टी धनिया पाउडर अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ये जो होममेड गरम मसाला पाउडर है आप कोई भी नॉनवेज रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया उसके बाद मैंने ऐड किया है वन एंड हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे थ्री टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ब्रेड क्रम्स की जगह पर आप ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं ब्रेड को आप अच्छी तरह से भिगो दीजिए और उसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए अब हमने देखा है कि कोफ्ते जूसी नहीं बनते हैं काफ़ी हार्ड हो जाते हैं तो उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे बटर बटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो ग्रीन चिलीज़ थोड़ा सा कोतम्बीर और थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर दिया है पुदीना तो यहाँ पर मैं आधी बड़ी साइज़ की प्याज़ ऐड कर रही हूँ इस तरह से रफली चॉप कर कर अब इन सारी चीज़ों को हम एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है कोफ्तों का मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन का आटा चने की दाल वग़ैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है और आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा एकदम परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे सॉल्ट और इनको हम मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर हम कोफ्तों के बॉल्स बना लेंगे जिस भी तरह से आपको पसंद हो छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं अब मैं बहुत दिनों से फैमिली फंक्शंस में बिजी थी इसलिए कोई भी रेसिपी शूट नहीं कर पाई तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ एक काफ़ी इजी और क्विक और टेस्टी बनने वाली रेसिपी शेयर करते हैं तो ये देखिए सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं अब हम इन्हें फ्राई करते हैं अब यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने रख दिया है ऑयल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और ऑयल ठंडा भी नहीं होना चाहिए अब इस तरह से धीरे धीरे हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप दो ही कोफ्ते इसमें ऐड कीजिए और एकदम से इसे आप हाथ मत लगाइए अब जैसे ही थोड़ा सा ये टेक्स्चर पकड़ ले उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा कर कर इसे फ्राई कर सकते हैं और ये देखिए मैंने ये फ्राई कर लिए थे बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और अंदर से आप देख सकते हैं कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल भी हार्ड नहीं है सॉफ़्ट है जूसी है और टूटे भी नहीं है अब यहाँ पर प्योरी के लिए मैंने ले लिए है दो टमाटर और मिर्ची इसका मैं पेस्ट बना लूँगी और दूसरी तरफ हम और एक पेस्ट बनाएंगे जो मैंने यहाँ पर बिरिस्ता ले लिया है हाफ़ कप वो उसमें हम ऐड करेंगे अब हाफ कप दही ये देखिए दही मैं ऐड कर रही हूँ और इसका भी एक हम फाइन पेस्ट बना लेंगे ये हमारा पेस्ट बनकर हो गया है रेडी दोनों भी पेस्ट मैंने रेडी कर लिए थे अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन ले लिया है इसमें हम ऐड करेंगे दो बड़े चम्मच ऑयल ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए उसमें हम ऐड करेंगे दो तेज़ पत्ता और हम ऐड करेंगे अदरक लहसन का पेस्ट गरम मसाले हम इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम जो इसमें गरम मसाले का पाउडर यूज़ करने वाले हैं वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है अदरक लहसन अब हमारा अच्छी तरह से फ़्राई हो गया है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर जो भी आप घर में यूज़ करते हैं रेड चिली पाउडर वो आप यूज़ कर दीजिए ये देखिए मैंने इसमें ऐड किया है वन एंड हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर इसे हम अच्छी तरह से दो मिनट चलाएँगे स्टार्टिंग में ही रेड चिली पाउडर ऐड करने से हमारी ग्रेवी का काफ़ी अच्छा कलर आता है और हमें फूड कलर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है अब ये देखिए यहाँ पर मैंने टमाटो और रेड चिली का जो पेस्ट बना लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्योरी जो हमने स्टार्टिंग में बना ली थी वो और इसे भी हम पाँच मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे अब 10 से 15 मिनट मैंने इसे ढाक कर रख दिया था टमाटरों का कच्चापन बिल्कुल अच्छी तरह से निकल गया है और यह आप देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी फूड कलर ऐड नहीं किया है कोई भी मसाले ऐड नहीं किए थे बस जो हमने ट्रिक इसमें यूज़ की है कि गरम-गरम तेल में हमने डायरेक्टली लाल मिर्च ऐड कर दी इससे आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह कितना अच्छा आया है अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ वन टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर जो भी तीखी मिर्च आप ऐड करना चाहते हैं वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए वन फोर्थ टी हमने इसमें ऐड किया है हल्दी और हमने इसमें ऐड किया है वन टेबल स्पून मसाला पाउडर जो होम मेड मसाला है हमारा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी सारे मसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद ये देखिए हमने इसमें ऐड किया है बिरिस्ता और दही का पेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में बना लिया था और ये मसाला जो हमने ऐड किया है अभी पेस्ट इससे हमारी ग्रेवी को काफ़ी अच्छी थिकनेस आएगी रिचनेस आएगी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा आप इसे भी दस से पंद्रह मिनट में अच्छी तरह से भून लूँगी और ये आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छी तरह से अब भून गए हैं ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी पानी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं जितना आपको ग्रेवी को थिक रखना है उतना आप कम इसमें पानी ऐड कर दीजिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है बस वन कप वाटर में इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे हम दस मिनट और पकाएंगे सॉल्ट हमें इसमें ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और बस इसे मैं बंद कर देती हूँ और ये देख सकते हैं आप पाँच मिनट बाद मेरी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई है कलर कितना प्यारा आया है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था इसका अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोफ्ते जो हमने बनाए थे कोफ्ते बनाकर मैं इसमें दस मिनट अच्छे से रख लूँगी और उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट कर, कर बताती हूँ तो बस ये आप देख सकते हैं हमारी चिकन कोफ्ता करी बिल्कुल बनकर हो चुकी है रेडी रेस्टोरेंट स्टाइल क्विक और इजी वे में लेकर आई हूँ मैं बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें अल्लाह हाफ़िज